दोस्तों आई नो आज का टॉपिक बहुत ही डार्क है, इंटेंस है। इट्स ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, जिसे हम हिंदी में नशीले या अमली पदार्थ कहते हैं। आई नो थोड़ा सा डार्क होने वाला है और फिर भी इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। ये आज के समय की जरूरत है, हमारे देश के जिसे हम कहते हैं ना नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा ये आज का सब्जेक्ट है और उसी पे हम थोड़ा सा डीप जाएंगे, थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और उस पर मैं अपनी राय रखूंगा। और यू आर वेलकम, यू कैन कमेंट ऑन दिस टॉपिक। सो गाइज, आप देख रहे हैं सेंटर स्पॉट और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त केदार केसकर। बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो नशीले पदार्थ होते हैं, ड्रग्स होते हैं, नारकोटिक्स हैं, इसके बारे में तो मैं गए कुछ सालों से पढ़ रहा था, कुछ सुन भी रहा था, लेकिन हम सबको पता है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई और उसके बाद नारकोटिक्स के जो बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ नारकोटिक्स हैं और उसका गहरा रिश्ता हमारे स्टार्स से लेकर और इवन मिडिल क्लास फैमिलीज तक और खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक, वहां जो कोहराम मचा दिया है नारकोटिक्स ने, ड्रग्स ने, ड्रग अब्यूज जो चल रहा है, वो लिटरली हैरान करने वाला है। और वो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ऐसा उभर कर सामने आया सब कुछ। वैसे तो हमें सब पता था, अफीम, गांजा, चरस एटसेट्रा, मतलब पता था या नहीं, कभी मैंने आज तक उन चीजों को टच भी नहीं किया है, फिर भी ये नाम तो न्यूज़पेपर्स में और कई सारी जगहों से सुन रहा था। वो तो मतलब बेसिक लेवल के ड्रग्स और मुझे तो पता था। और हाँ, वो जो माफियाज एंड ऑल काइंड ऑफ नार्को फैमिलीज जो सदर्न यानी लैटिन अमेरिका और वर्ल्ड वाइड, तो माफियाज के बारे में जब बोलते हैं तो कोकेन इज अ हॉट फेवरेट टॉपिक। सो वहां तक तो मेरी पहुंच थी, लेकिन ये जब बॉलीवुड का और ड्रग का बहुत सारा रिश्ता ऐसा उभर कर सामने आया, तो न जाने कितने प्रकार के, कितने वैरायटी के ड्रग और उनके नाम सामने आ गए और बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म प्रकार के हैं वो। तो ये जो ड्रग एंड नारकोटिक्स जो भी है वो एक कंप्लीट ही, इट्स ऑल डिफरेंट वर्ल्ड। जो कॉमन मैन है, जो अपने सीधे रास्ते से जाने वाले सिंपल पीपल हैं, उनके नजरिए से देखा जाए तो ये एक अलग ही दुनिया है। ड्रग की दुनिया मतलब एक अलग किस्म की दुनिया है जो कॉमन पीपल को हैरान कर देता है। और इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रग वर्ल्ड। और मतलब उसकी एक अलग ही इकोनॉमी है, उसका एक अलग ही नेचर है, जो पीपल जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनका बर्ताव भी बहुत ही अलग टाइप का होता है। तो जो कॉमन मैन होता है वो बहुत चक्का रह जाता है ये सब कुछ देखकर, मतलब यू नो ऐसे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और एक दूसरी बात ये भी है, हमें उनके नजरिए से भी सोचना होगा कि ड्रग वर्ल्ड से जुड़े जो लोग होते हैं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द ड्रग डीलर्स, बट जिनको ड्रग्स की लत लग गई है, जो एडिक्ट हो गए हैं, उनके नजरिए से अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल वर्ल्ड है वो टोटली अलग है, उनसे कटा हुआ है। सो देयर इज अ बिग 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 डिस्कनेक्ट बिटवीन द नॉर्मल पीपल एंड द ड्रग पीपल। लेकिन आज अभी मैं ये ड्रग का मामला और उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आपके पास क्यों आ रहा हूं, एक बेसिक बात बताऊं दोस्तों। कुछ दिनों पहले पंजाब में
अमृतपाल सिंह जो भगोड़ा सो कॉल टेररिस्ट है और जो एंटी नेशनल खालिस्तानी है, उसके बारे में जानकारी मिलती गई और अब ये समझ में आ रहा है कि उसने जो हथियार इकट्ठा किए, उसने जो बहुत सारे उसने जो अपना गुर्गा तैयार कर दिया, बहुत सारे रिक्रूट्स उसने, खालिस्तानी रिक्रूट्स जो उसने भर्ती किए, उस सब के पीछे जो उसको पैसा चाहिए था, वो पैसा और वो सारे बच्चे और हथियार वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमें तो पता है पाकिस्तान के पास तो खाली कटोरा है, वो भीख मंगा एक देश है। तो अमृतपाल के पास इतना सारा सामान इकट्ठा कैसे हुआ? तो उसके पीछे एक राज खुल गया कुछ दिनों पहले, और वो राज यह है कि इसके पीछे ड्रग की इकोनॉमी है, ड्रग अब्यूज, नारकोटिक्स डीलिंग, जो पंजाब में एक ऑक्टोपस की तरह उसने अपने सारे हाथ पैर फैला दिए हैं और पंजाब को ऐसे जकड़ कर रख दिया है ड्रग्स ने। ये एक बात सामने आई और उसके बलबूते पर अमृतपाल सिंह का ये एक बहुत बड़ा भूत तैयार हो चुका। और दोस्तों, आपको तो पता है, हम सारे लोगों ने वो बॉलीवुड की मूवी भी देखी है, उड़ता पंजाब। तो कुछ बातें आई कैन अंडरस्टैंड, आफ्टर ऑल इट्स अ डिपिक्शन, इट्स अ रियल लाइफ, सो थोड़ा सा हाइप भी करना होता है। सो वो सारी सिनेमैटिक ड्रामा जो है, जो हाइप है, उससे भी अगर हट जाए, उसे दो मिनट के लिए बाजू में रख दिया जाए, तो फिर भी इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी। पंजाब, इट्स अ फैक्ट दैट पंजाब के ग्रास रूट लेवल तक, रूरल लेवल तक वो ड्रग्स, नारकोटिक्स, वो नशीले पदार्थ, अमली पदार्थ पहुंच चुके हैं। और पंजाब की जो एक पीढ़ी की पीढ़ी, एक जनरेशन ड्रग्स के चपेट में आ गई है, और ये मैं नहीं कह रहा, इससे जुड़े बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ये राय है। तो ये जो ड्रग्स है, फोकस तो अभी पंजाब पे चल रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि ये सारे देश का विषय है। और इंटरेस्टिंगली, मार्च एंड में एक न्यूज ऐसी भी आई कि इट वॉज अबाउट अमोनियम नाइट्रेट, सो इट वॉज अबाउट एक्सप्लोजिव। यस, इट्स नॉट रिलेटेड टू ड्रग्स एट ऑल, बट सी, ऑल दीज आर केमिकल्स। सो केमिकल्स का जो ये जो केमिकल्स का जो व्यापार चल रहा है हमारे देश में, उस पर गवर्नमेंट तो नजर रख रही है, लेकिन फिर भी आपको एक बता दूं, आप हैरान रह जाएंगे। टॉपिक तो अभी पंजाब के बारे में चल रहा था, लेकिन पुणे में भी कुछ साल पहले तक, 10 या 15 साल पहले तक, चोरी छुपे बहुत सी ड्रग डीलिंग चलती थी महाराष्ट्र के पुणे में। सो दोस्तों, ये जो ड्रग्स हैं, ये जो नारकोटिक्स हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वी आर लिविंग विद दीज ड्रग्स एंड वी आर लिविंग विद द पीपल हु आर कंज्यूमिंग दीज ड्रग्स, बस हमें जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं इसी ड्रग्स के बारे में, थोड़ा सा मैंने डेटा, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स कंगालने की कोशिश की। तो मुझे एक मई 2022 की एक रिपोर्ट, एक न्यूज मेरे सामने आई, हैदराबाद के तब के कमिश्नर ऑफ पुलिस, अभी वो हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस है या नहीं पता नहीं, लेकिन मई 2020 में तो वो थे, सी वी आनंद नाम का नाम है उनका। और उन्होंने एक बात कही रिगार्डिंग नारकोटिक्स, एंड आई कोट, ही सेज, द कंजम्पशन रूट ऑफ वेरियस नारकोटिक सब्सटेंसेस इन द कंट्री हैज सीन अ 70% इंक्रीज इन द पास्ट 8 years एंड द नंबर कंटिन्यूज टू राइज। There are currently around 10 crore people in our country who are addicted to various narcotic substances. And this, he said, citing data of the Narcotics Control Bureau, that is NCB. जी हाँ दोस्तों, 10 crore से ज्यादा लोग ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं हमारे देश में।
100 करोड़ नहीं 130 करोड़ की हमारी जनता है, उसमें से कम 10 करोड़ लोग ड्रग्स की चपेट में है, और ये तो एनसीबी का ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है। और हमको तो पता है जो अनऑफिशियल फिगर्स होते हैं वो ऑफिशियल फिगर्स से बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप ये तो मान लो, क्योंकि ये मई 2022 का न्यूज था, तो आज तो एक साल आगे बढ़ चुके हैं हम। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से ये राइज हो रहा है ड्रग कंजम्पशन का, आई एम क्वाइट श्योर कि एटलीस्ट 10 करोड़ का इजाफा तो हुआ ही होगा। तो आप ये मान के चलिए कि ग्राउंड रियलिटी पे एटलीस्ट कम से कम 20 करोड़ तो लोग ड्रग्स के चपेट में होंगे ही भारत में। ही अगेन सेड मोर देन 70% ऑफ द ड्रग्स आर स्मगल्ड इनटू द कंट्री थ्रू इंटरनेशनल सी रूट्स, वेल 20% इज बाय रोडवे एंड 10% बाय एयर, द ऑफिसर सेड। इस बारे में तो हम थोड़ा ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे अगले कुछ वीडियोस में कि आखिरकार ये ड्रग्स हमारे देश में आते कैसे हैं। तो उसका जवाब भी सीवी आनंद जी ने दिया है। वो कहते हैं कि 70% का वो जो ड्रग्स है वो हमारे देश में सी रूट से आते हैं, सागर किनारों से आते हैं, और 20% आते हैं बाय रोडवेज, मतलब सीमा लांघ के आते हैं यहाँ पे हमारे देश में, और 10% जो है वो बाय एयर आते हैं। ये सब चल रहा है हमारे देश में। और ये जो पुलिस साहब थे सीवी आनंद, उनको सेकंड कर रहे हैं और एक पुलिस ऑफिसर है, और ये एक्चुअली डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कोऑपरेशंस है, और उनका नाम है संजय कुमार सिंह, और वो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में काम करने वाले। ये भी न्यूज है जून 2022 की, पिछले साल की। वो क्या कहते हैं, वो सीवी आनंद जो कह रहे हैं वही बात थोड़ी अलग ढंग से कह रहे हैं कि द कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स एंड नारकोटिक सब्सटेंसेस लाइक हेरोइन, कैनाबिस एंड अदर ओपिएट्स हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन इंडिया। ड्रग अब्यूज अमंग यूथ हैज ऑल्सो इंक्रीज रफली अराउंड 10 करोड़, यानी कि 100 मिलियन इंडियंस कंज्यूम ड्रग्स। इट यूज टू बी अराउंड 2 करोड़, दैट इज 20 मिलियन 15 ईयर्स अगो। लुक एट द राइज, 15 साल पहले तक, और आज से बोला जाए तो 16 साल पहले तक हमारे देश में सिर्फ 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग ही ड्रग्स लेते थे, और आज के फिगर्स, आज यानी लास्ट ईयर तक के फिगर्स बताते हैं कि 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोग ड्रग्स का यूज करते हैं। सिंह स्टेटमेंट्स कोरोबोरेट डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विच एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ ओपिएट यूजर्स इन इंडिया एट 23 मिलियन इन 2018, दैट इज अ 600% इंक्रीज सिंस 2004। कैन यू बिलीव दिस गाइस, 2004 से आज तक ये जो राइज है कितना है, 600% राइज। आई मीन Isn't it crazy? 600%, 600% rise. ये कभी होता है? लेकिन ये हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस चीज पर अगर ब्रेक नहीं लगाया, ये बात और इसके बारे में अगर हमने कुछ नहीं किया अभी इसी वक्त, तो remember my words guys, ये 600 crores गए 15 सालों में से, मतलब 2004 से आज तक 600% राइज है ना, अगले 15 वर्षों में ये 1200% हो सकता है। सी, ये जो ड्रग्स है उसकी आदत, उसकी लत, उसका एडिक्शन छुड़ाए नहीं छुटता, ये बहुत मतलब ये पकड़ कर रखता है, जकड़ कर रखता है पेशेंट को। ये जो अपने नॉर्मल होते हैं ना, मतलब अल्कोहल यानी दारू पीना, आपका वो सिगरेट स्मोकिंग, सिगार स्मोकिंग, बीड़ी फूकना, वो तंबाकू मलना,
हुक्का हुक्का पार्टी, ओके, ये सब बातें ये ड्रग्स के सामने यानी बच्चों वाली चीजें हैं। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ, और उसका भी एडिक्शन छुड़ाना बहुत कठिन काम है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ड्रग्स का मामला उससे भी कई गुना खतरनाक है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ड्रग्स, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस इश्यू अ लॉट इन फ्यू मोर वीडियोस। ये एक वीडियो का मसला नहीं है, क्योंकि भाइयों बहनों, हमारा जो देश है उसे हम भारत माता कहते हैं। हमारा जो सारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ, जो सारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वो वंदे मातरम कह के हुआ। हमारी देश को हम माता कहते हैं और उसको हम वंदन करते हैं, उसी लिए तो हम वंदे मातरम कहते हैं। और हमारी भारत माता को हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं जब हम कहते हैं कि 600% राइज हुआ है ड्रग कंजम्पशन में 2004 से लेकर आज तक। उसका अर्थ यही है कि भारत माता को हम 600% ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। जब हम कहते हैं 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमारे देश में ड्रग्स के चपेट में आए हुए हैं, तो उसका अर्थ यही होता है कि हमारी भारत माता को हम अंदर से खोखला कर रहे हैं। वी आर एडिक्टिंग आवर ओन, जो कोर ऑफ आवर नेशन जिसे कहते हैं, हमारा जो मूलाधार है हमारे देश का, उसे हम अंदर से ही खत्म कर रहे हैं। उसे हम वायरस से इन्फेक्ट कर रहे हैं, और ये जो वायरस है उसे हम ड्रग कह रहे हैं। और दोस्तों, जी हाँ, ये जो ड्रग पेडलर्स होते हैं, ड्रग रैकेटियर्स होते हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, दे आर बैड गाइज, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जो पेशेंट्स है, जो उसके एडिक्शन में आ गए हैं, भले किसी भी वजह से आए हो, लेकिन दे नीड आवर हेल्प, दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, वी जस्ट कैन नॉट रिजेक्ट देम। हम ऐसा नहीं कह सकते यार ये बंदा या बंदी वो गई, ये गुजर गए, नहीं। क्योंकि अगर जितना हम उनको रिजेक्ट करेंगे, उतना ये जो बीमारी है ये बढ़ती जाएगी। क्योंकि वो कहेंगे अच्छा ठीक है, तो आप हमें रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है हम आपको ये एडिक्शन देंगे। क्योंकि यू नो दे डोंट है, उन्हें नजर नहीं आ रहा है कोई रास्ता। ये जो एडिक्ट्स हैं, ड्रग एडिक्शन कंप्लीटली डिफरेंट होता है नॉर्मल अल्कोहलिक एंड टोबैको एडिक्शन से। तो वो क्रेजी हो जाते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो क्रेजी हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन काम होता है जब उसके अमल में जब वो आ जाते हैं। तब जब उनको ड्रग चाहिए होता है, तो उनको चाहिए ही होता है किसी भी कीमत पर। तो इसलिए दे नीड आवर हेल्प टू गेट रिड ऑफ दैट एडिक्शन। उनको बहुत ज़्यादा रिहैब की ज़रूरत है, और इसलिए एक हमारे देश का नेशनल इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए वी हैव टू फाइट द ईविल ऑफ द ड्रग्स, एंड वी हैव टू वर्क जॉइंटली ऑन दिस इशू ऑन वेरियस लेवल्स, नॉट जस्ट गवर्नमेंटल लेवल। क्योंकि यू नो ड्रग्स का जो ट्रैफिकिंग चल रहा है और जो तस्करी चल रही है, केवल उसे रोक कर ये इशू सॉल्व होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आप डिमांड खड़ी कर रहे हो, तब तक ये मसला, ये इशू चलता ही रहेगा। आप डिमांड घटा दो तो ऑटोमेटिकली कितना भी वो ड्रग्स का तस्करी हो, फिर भी उसका कोई यूज नहीं रहेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर उसके लिए, हमारे ड्रग्स के लिए हमारे देश में जीरो डिमांड हो, तो क्या होगा? जीरो डिमांड होगा, जीरो कंजम्पशन होगा, तो वो सारा जो माल है, वो जो तस्करी से चोरी छिपे हमारे देश में आया है,
वो बेचा ही नहीं जाएगा क्योंकि उसको डिमांड ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन हमें क्रिएट करनी चाहिए और उसकी वजह से हमारे देश के जो अंदर बैठे और बाहर बैठे जो शत्रु हैं, हमारे देश के जो एनिमी हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हम पहुंचा सकेंगे। और उतना ही नहीं, हमारे देश की जो ये युवा पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसे हम बचा सकेंगे, उसका जो मोराल है, उसका जो मूलाधार है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, नई पीढ़ी जो होती है, वही किसी भी देश का भविष्य होती है। तो हमें हमारा भविष्य अगर सुरक्षित करना है तो हमको इस ड्रग्स की बीमारी से बहुत बड़ी जंग लड़नी है और ये तो बस अभी शुरुआत है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवमेंट चलाना है, अगर आपको इस मूवमेंट का हिस्सा होना है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इसे लाइक करिएगा और सेंटर स्पॉट को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो पेट्रियन पे सपोर्ट करना मत भूलना। धन्यवाद।